बच्चों आप सभी का बहुत स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आपने देखा था हमने पिछली क्लास में, ठीक है, परमाणु संरचना से संदर्भ जो हमारा अध्याय चालू था उसमें हमने अपबाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, ठीक है, कक्षक और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है क्वांटम संख्या को लेकर मैं आपके सामने हूँ, तो हम क्वांटम संख्या के बारे में समझेंगे बेटा कि क्वांटम संख्या क्या होती है, और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में स्थिति उसका घूर्णन संवेग द्रव्यमान चक्रण की दिशा इत्यादि बातों की जानकारी हमें जिस संख्या से प्राप्त तो होती है बच्चों, ठीक, तो उस संख्या को आप क्या कहते हो, क्वांटम संख्या कहते हो। बच्चों वापस एक बार ध्यान दीजिए, जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया बच्चों हम क्वांटम संख्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटम संख्या क्या होती है। बच्चों मैंने आपको बताया किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, उनका घूर्णन, उनका संवेग, द्रव्यमान, चक्रण की दिशा, ठीक है, इत्यादि बातों की जानकारी हमें जिस संख्या से प्राप्त होती है, तो उस संख्या को बच्चों हमने किस नाम से जाना, क्वांटम संख्या के नाम से जाना, ठीक है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि जो क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, जो भी हमारी क्वांटम संख्या है, तो यहां पर मैं आपको उसके प्रकार बता रहा हूं। बच्चों आपको याद रखना है कि क्वांटम संख्या मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की क्वांटम संख्याओं में सबसे पहली जो क्वांटम संख्या बच्चों वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। बच्चों इसका जो दूसरा प्रकार है वो होती है दिगमशी, दिगमशी क्वांटम संख्या। बच्चों जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है क्वांटम संख्या का वो है चुंबकी, चुंबकी क्वांटम संख्या। बच्चों इसका अंतिम और जो चौथा प्रकार है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा और समझिएगा कि हमारे पास ये मुख्य रूप से चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है ना। बच्चों इस टॉपिक को विस्तारित करके आगे लेकर चलना है और समझना है इन क्वांटम संख्याओं को संक्षिप्त में। हम छोटी छोटी डेफिनेशन है बहुत, लेकिन बहुत ही काम की है, ठीक। बहुत सारे जो आपके न्यूमेरिकल अंकित जो प्रश्न है वो इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर होते हैं बच्चों। तो समझने का प्रयास करेंगे हम अपने अगले टॉपिक को देखते हुए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने क्वांटम संख्या टॉपिक लिया है, तो क्वांटम संख्या में सबसे पहली क्वांटम संख्या बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या।
तो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जानिए, ये प्रथम प्रकार की क्वांटम संख्या मानी जाती है। ठीक, ये प्रथम प्रकार की क्वांटम संख्या मानी जाती है। इसे स्मॉल एन से क्या करते हैं बच्चों, हम प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों हमारे पास एन के अधिकतम सात मान ज्ञात है। हमारे पास बच्चों एन के अधिकतम कितने मान ज्ञात हैं, सात मान हैं। ये हमें मुख्य रूप से परमाणु के ऑर्बिट के क्रम आकार नाभिक से औसत दूरी परमाणु त्रिज्या आयतन द्रव्यमान बच्चों इत्यादि की जानकारी देती है। बच्चों ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी। बच्चों याद करिए, पहले और दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हमारा नाभिक है। बच्चों मैंने नाभिक के चारों तरफ आपको कुछ वृत्ति कक्षक बताए थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ से इस तरह से कुछ वृत्ति सर्कल्स होते हैं। जैसे ये एक है पहला, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इस तरह से ये दूसरा सर्कल है, फिर बच्चों इसी तरह से ये हमारे पास एक तीसरा सर्कल है। तो ये जो सर्कल्स बच्चों आप देख पा रहे हो ना, ये सर्कल्स हमारे ऑर्बिट कहलाते हैं। इस तरह से बच्चों जो चौथा है, ठीक है, उसमें भी ये सर्कल्स हैं, ये सभी हमारे ऑर्बिट कहलाते हैं बच्चों। तो बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर ये एन की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह से बच्चों हम आगे चलेंगे तो अगले वाले में भी हमको इस तरह से चार वृत्ति सर्कल्स मिलते थे, फिर उसके बाद वाले में हमको 3 मिलते थे इस तरह से, और सबसे अंत में पुनः हमको 2 मिलते थे बच्चों इस तरह से। तो महत्वपूर्ण है 4, ये नंबर 5, ये 6 और ये 7। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या, ये प्रथम प्रकार की क्वांटम संख्या, इसको हमने एन से प्रदर्शित किया बच्चों। इसके अधिकतम हमारे पास 7 मान ज्ञात हैं, और वो 7 मान मैंने आपके सामने रखे हैं। हमने इसको एन से प्रदर्शित किया, एन की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है बच्चों, 3 आ रही है, ये 4 आ रही है, फिफ्थ आ रही है, ठीक है, 6 आ रही है और 7 आ रही है। बच्चों ये जो 7 ऑर्बिट्स हैं नाभिक के चारों तरफ से, ये जो आप वृत्ति सर्कल देख रहे हो ना, इन्हीं को हम ऑर्बिट कहते हैं। बच्चों जैसे जैसे ये एन का क्रम, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारे ऑर्बिटल्स नाभिक से ऑर्बिटल की दूरी बढ़ती जाएगी, उनका आकार बढ़ता जाएगा, उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है, और हमको ये जो जानकारी है ये हमको प्राप्त होती रहेगी। बच्चे कि हमारा, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के पहले प्रकार को निरूपित करता। बच्चों इसमें भी 3 और भी हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, जल्दी से उनको भी लेता हूं, ठीक है। तो देखिए हम अगले पड़ाव पर चलेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों इसमें, ठीक है, आप जैसे कि अभी आपने देखा मैंने मुख्य क्वांटम संख्या अभी आपके सामने लिया, तो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या के बाद मैं आपके सामने ले रहा हूं दिगमशी।
दिगमशी क्वांटम संख्या। बच्चों दिगमशी क्वांटम संख्या ये द्वितीय प्रकार की क्वांटम संख्या है, ठीक है, ये द्वितीय प्रकार की क्वांटम संख्या है। बच्चों आप याद रखेंगे हम इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, हम इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कि जो दिगमशी क्वांटम संख्या उसको हमने एल से प्रदर्शित किया और जो एल का मान है वो एन पर निर्भर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दिगमशी क्वांटम संख्या है ये मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर क्या करती है बच्चों, बिल्कुल निर्भर करती है ना। जब तक आपको बच्चों एन का मान नहीं मालूम होगा, जब तक आप एल का मान नहीं निकाल पाएंगे। बच्चों यहां पर उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, यदि समझिएगा, मैं एन का मान एक लेता हूं तो एल बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, वन माइनस वन, एल का मान मुझे जीरो मिल जाएगा। यदि बच्चों मैं एन का मान दो लेता हूं तो एल का मान मुझे टू माइनस वन के अकॉर्डिंग वन मिलेगा, इससे पहले आप जीरो शामिल कर लेंगे। मैं जैसे ही एन की वैल्यू थ्री यूज करूंगा बच्चों, ठीक है, जहां पर यदि लिखा यानी ये वैल्यू हमको लेकर चलना है। जब आप एल की वैल्यू तीन लेंगे तो बेटा थ्री माइनस वन के अनुसार आपको टू मिलेगा, इससे पहले वन और जीरो इंक्लूड कर लेंगे। बच्चों इसी तरह से जब आप एन की वैल्यू फोर लेंगे तो एल इज इक्वल टू आपको थ्री, इससे पहले आपको टू वन और जीरो को इंक्लूड कर लेना है। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बच्चों समझने वाली बात है कि जब आपको एल की वैल्यू वन मिलेगी तो ये एल बराबर वन एस ऑर्बिटल को निरूपित करेगा, यानी ये हमको किसकी जानकारी देगा, एल बराबर वन एस ऑर्बिटल की। इसी तरह से बच्चों जब आपको एल के दो मान प्राप्त होंगे, है ना, जब आपको दो मान प्राप्त होंगे तो यहां पर आपको एस और पी ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त होगी। जो जीरो है वो एस ऑर्बिटल की जानकारी देगा, जबकि वन आपको पी ऑर्बिटल की जानकारी देगा। बच्चों जब आपको एल के संभावित मान की संख्या तीन प्राप्त होगी तब आपको यहां पर एस पी और इसके साथ आपको पी ऑर्बिटल प्राप्त होगा। बच्चों तो जो जीरो है वो एस को, वन जो है वो पी को और टू जो है वो डी ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा। बच्चों इसी तरह से जब आपको एल तब आपके पास एस पी डी और एफ ये चार ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। जीरो इंडिकेट करेगा एस को, वन इंडिकेट करेगा पी को, टू इंडिकेट करेगा डी को और थ्री इंडिकेट करेगा एफ को। आप थोड़ा सा संयम में आ जाएंगे जब आप एन की वैल्यू आप रखेंगे पांच छह और सात, क्योंकि बच्चों पांच छह और सात जब आप रखेंगे तब आप देखेंगे थोड़ा सा इसको टॉपिक को अगर हम आगे ले रहे हैं, यदि मैं एन की वैल्यू पांच रखने जा रहा हूं तो एल का मान मुझे कितना मिलने वाला है, तो वो मुझे मिलने वाला है चार। इससे पहले तीन दो और एक और जीरो को शामिल करूंगा तो बच्चों होगा क्या कि इन प्रारंभ के तीन ऑर्बिटल के लिए एस, प्रारंभ के चार के लिए एस पी डी, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए एफ तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप चार की बात करेंगे इसके लिए कोई भी ऑर्बिटल निर्देशित नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा सा असमंजस में आ जाएंगे कि इनके लिए हम किस तरह के ऑर्बिटल को डिफाइन करने वाले। तो बच्चों भविष्य में ऐसे हमको इनके लिए भी कोई ना कोई तत्व मिलेंगे और उस कंडीशन में फिर इनके लिए ऑर्बिटल डिफाइन हो जाएंगे। तो फिलहाल में आप ये जो जानकारी आपको दी गई है आप इस जानकारी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने जैसा कि देखा, ठीक है, हमने दिगमशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी ली। बच्चों बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दिगमशी क्वांटम संख्या से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमने वहां पर एल बराबर वन सॉरी एन बराबर वन टू थ्री फोर के लिए हमको एल के संभावित मान प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकतम ऑर्बिटल जो है वो चार है, क्योंकि बच्चों हम केवल परमाणु क्रमांक एक से लेकर परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों जो विस्तारित अभी आपके सामने रखा गया आपको ये संभावित ऑर्बिटल ही प्राप्त होंगे, पर भविष्य में अगर आप ऐसा कोई तत्व खोज लेते हैं या वैज्ञानिक ऐसा कोई तत्व खोज कर हमारे सामने ला देते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 118 से ज्यादा होगा, तो बच्चों ऐसे तत्व के लिए ही संभव होगा, जबकि हम एन बराबर पांच छह और सात वैल्यू रखने पर भी हमको सतत ऑर्बिटल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में उनके भी बारे में फिर हमको विवरण देखने को मिलेगा। बच्चों हमारी तीसरी क्वांटम संख्या जो है वो है चुंबकीय।
चुंबकीय क्वांटम संख्या। बच्चों याद रखिए, ये तृतीय प्रकार की क्वांटम संख्या है, ठीक है। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं डिटेल नहीं मेंशन कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल पूरा रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कहा बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या ये तृतीय प्रकार की क्वांटम संख्या है सभी क्वांटम संख्याओं में। इसको हमने स्मॉल m से प्रदर्शित किया बच्चों। इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ठीक है। जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हो ना, इसके हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से निरूपित किया, लेकिन ये m किस पर निर्भर हो गया, l पर। इसका मतलब ये है, l क्या था, l था बच्चों दिगमशी क्वांटम संख्या, है ना। यहां पे l क्या था, दिगमशी क्वांटम संख्या। तो आपको याद रखना बच्चों कि हमारी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये दिगमशी क्वांटम संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है कि निर्भरता होती है। यानी जब तक आपको दिगमशी क्वांटम संख्या का ज्ञान नहीं होगा, आप चुंबकीय क्वांटम संख्या की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए इसके लिए भी कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मुख्य रूप से उदाहरण से पहले आपको बता दूं कि जो दिगमशी क्वांटम संख्या है बच्चों, ये हमको ऑर्बिटल की जानकारी दे रही थी, ठीक है ना। यानी इसके द्वारा हमको ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त हो रही थी। जैसे कि आपने देखा कि जब हमको एल का मान 1 मिला तो हमने बोला ये एस ऑर्बिटल की जानकारी दे रही है। एल का मान आपको सॉरी 0 मिला तो आपको एस ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त हुई, जब 1 मिला तो आपको पी ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त हुई, एल बराबर 2 पर आपको डी ऑर्बिटल की जानकारी प्राप्त हुई। इसी तरह से बच्चों एल बराबर जब आपको 3 मिला तो आपको एफ ऑर्बिटल की जानकारी मिली। महत्वपूर्ण चीज ये बेटा, इन ऑर्बिटल के जो कक्षक होंगे ना, याद है आपको खंड, तो ऑर्बिटल के जो कक्षक हैं, जो खंड हैं, वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, इनकी जानकारी हमको चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होगी। तो बच्चों इसी को संदर्भित करते हुए मैं पहला एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं उदाहरण के तौर पर, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। बच्चों अगर मैं यहां पर l का मान 0 ले लेता हूं, यदि मैं l बराबर क्या ले लूं, 0, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। तो m इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, तो बच्चों मुझे मिल जाएगा 0 + 1। इसका मतलब मुझे कितना मिला, m मिला, तो m की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहां पर l बराबर 0 s ऑर्बिटल को निरूपित कर रहा था, इसका मतलब s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए कितने अधिकतम खंड बनेंगे, केवल एक खंड बनेंगे। इसीलिए आपको याद होगा s ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे और उसके लिए केवल एक कक्षक बनाया था और मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए थे बच्चों, इस तरह से, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एक एग्जांपल और लेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, यदि मैं l का मान 1 ले लूं तो मुझे m इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मिल जाएगी 2 + 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 3। तो जैसे ही आपको m का मान, संभावित मान 3 मिलेगा, आपको पता है कि l ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 जो है वो p ऑर्बिटल को निरूपित करती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि p के अधिकतम खंडों की संख्या कितनी होगी, 3, यानी p के पास 3 कक्षक होंगे। तो p के जो 3 कक्षक हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इनके लिए 3 खंड हम बना लेंगे, 3 कक्षक बना लेंगे, और प्रत्येक कक्षक में कुंड के नियम का पालन करके हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में उनको युग्मित कर देंगे। इसी तरह से आप d और f के लिए भी निकाल लोगे। बच्चों हमारे पास अंतिम क्वांटम संख्या जो है वो है चक्रण, ठीक है। चौथी क्वांटम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, और वो है चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम चक्रण क्वांटम संख्या पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या बच्चों आप याद रखिए, ये सभी क्वांटम संख्याओं की चतुर्थ क्वांटम संख्या है, ठीक। ये सभी क्वांटम संख्याओं की चतुर्थ क्वांटम संख्या है, चौथे नंबर की क्वांटम संख्या है। बच्चों हम इसको एस से निरूपित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ठीक, अन्य सभी क्वांटम संख्याओं से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं होती, इसका अपना एक अलग तरीका। बच्चों आपको सिर्फ एक उदाहरण देखना है, अगर मैं आपसे बोलूं s ऑर्बिटल है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है,
आपको मैंने बताया एस ऑर्बिटल के लिए केवल एक कक्षक होता है, एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको समझना है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये हमको केवल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है, उसके घूर्णन की जानकारी देती है। बच्चों आपको याद रखना है कि जब जब आपका इलेक्ट्रॉन की मुंडी ऊपर की दिशा में होती है तो हम कहते हैं कि उसका घूर्णन कैसा होता है, उसका घूर्णन होता है दक्षिणावर्त। और बच्चों जब वो दक्षिणावर्त घूर्णन में होता है तो एस की वैल्यू आप कितनी रिटर्न करते हैं, आप रिटर्न करते हैं प्लस हाफ। उसी इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में आप देख रहे हैं जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसकी मुंडी नीचे की तरफ है, इसका मतलब उसका घूर्णन कैसा है, उसका घूर्णन वामावर्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। इस कंडीशन में इसका जो मान होता है वो माइनस हाफ होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, चारों क्वांटम संख्याओं का एक संक्षिप्त विवरण देखा। बहुत जल्दी बेटा हम क्या करेंगे, इन क्वांटम संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और वो हम अगली क्लास में आपके साथ देखेंगे, ठीक है। जब तक आप इतना रीड करें।